दोस्तों बहुत दिन से मेरा दिल कर रहा था एक कोई सेकंड हैंड स्कूटर खरीदता हूँ पुराना सा, और खासकर बजाज सुपर या फिर प्रिया मिल जाए तो मुझे मिला है ये बजाज सुपर जो भी काफी पुराना है, इसको कराना है मुझे मॉडिफाइड। क्या क्या इसमें मॉडिफिकेशन कराऊंगा आपका भी सजेशन जरूरी है। आप प्लीज कमेंट सेक्शन में एक चीज जरूर बताइएगा कि इसका कलर कैसा कराना चाहिए। और अगली बातें हैं जो इसका स्कूटर का एक रिव्यू भी फटाफट से आपको दिखा देता हूँ क्या क्या खूबियाँ हैं और कितने रुपये में मुझे ये मिला है। तो दोस्तों इस स्कूटर का आप लुक देख लीजिए, जो रेट्रो डिजाइन है एक ये बजाज सुपर है, ये वाली जो पट्टी आती थी यहाँ पे अभी बजाज का लोगो भी लगेगा और ये भी मैं चमकवा दूंगा बिल्कुल क्रोम। कैसा कलर कराना चाहिए वो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। जो बजाज चेतक आया था उसमें ये जो था ये मुझे लेना था रेट्रो लुक थोड़ा, तो ये वाली जो चीज है वो थोड़ी उसमें नीचे दबी हुई होती थी और उसकी जो मीटर की रेक्टेंगुलर शेप होती थी थोड़ी, ये वाला क्लासिक लुक लगता है। और इसकी जो हेडलैम्प है वो काफ़ी छोटी है, क्रोम की फिनिश दी गई है, काफ़ी अच्छा देखिए आपको सामने से लगेगा ये स्कूटर। और हाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, स्कूटर में कहीं कोई गलावट या फिर ज़्यादा रस्टिंग जंग वगैरह नहीं लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर मडगार्ड थोड़ा काम मांग रहा है। और इसकी जो किक है मैं आपको बताऊँ दोस्तों, किक इसकी ख़राब है, इंजन में थोड़ा सा काम है, वैसे स्टार्ट है और साइलेंसर ज़्यादा आवाज़ करता है दोस्तों, अभी स्टार्ट होएगा ये धक्के से। और फटाफट से मैं इसको लेके चलता हूँ मैकेनिक के पास, नंबर देख लीजिए एक बार, 3,500 रुपये में दोस्तों। मुझे तो ये कोई महंगी डील नहीं लग रही है क्योंकि एक तो नंबर इसका पुराने डिजाइन का है, ये नंबर ही काफ़ी वैल्यू रखता है, UMQ 9447। और चारों तरफ से अगर इसे देखते हैं तो कहीं भी कोई रस्टिंग वगैरह का इसमें निशान नहीं मिलेगा आपको। और ये जो ये आप जाली देख पा रहे होंगे दोस्तों, पुराने स्कूटर वाली जो फील है वो इस जाली के साथ ही आती है। अगर डिग्गी वगैरह होती तो पर्सनली मुझे उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती, मुझे ये जाली ही रखनी है क्योंकि ये एक रेट्रो लुक देती है स्कूटर को। और सीटें वगैरह मैं सब इसकी बदलवाने जा रहा हूँ, अभी लेके चलते हैं इसको मैकेनिक के पास और उनसे सलाह लेते हैं कि कैसी डील रही 3,500 रुपये में। आप भी कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा, मुझे पता है कई लोग कहेंगे कि यार महंगा ले लिया यार, ऐसा नहीं लेना चाहिए था आपको, तो 2,000 में मिल जाता, लेकिन जिस हिसाब का ये है कहीं से कोई गलावट वगैरह नहीं है, इतने रुपये में मुझे ठीक लग रहा है। हैं वैसे धक्के से स्टार्ट, अब वैसे कंडीशन कैसी है इसकी आजाद भाई? गलावट नहीं है ना कहीं? चाचा राम राम, स्कूटर लाए हो? साइलेंसर टूट रहा है कतई? हाँ पर गल नहीं रहा है कहीं से। जो लिया सजाद भाई 3,500 रुपये में, सही है? हाँ सही है, बढ़िया बना दोगे एकदम परफेक्ट गोली। क्या बनवाना है मैं बताओ पहले? इसका जो भी कुछ इंजन का काम है सारा आपको करना है क्लियर एकदम, जैसे ये साइलेंसर वगैरह टूट रहा है, किक डलेगी, इंजन जो भी कुछ होगा आपको पूरा कम्प्लीट करके देना है, और पेंट करवा लेंगे हम उससे नहीं। तो भाईयो इंजन का काम कम्प्लीट कराने के लिए सजाद भाई को स्कूटर दे दिया है, पेंट कैसा कराऊं वो आपसे सलाह है यार। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा कि कैसा पेंट कराना चाहिए, स्कूटर कैसा लगा, डील कैसी लगी, वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप। वीडियो पसंद आई हो, स्कूटर पसंद है बजाज सुपर, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना यार। और पहली बार अगर अपने भाई के चैनल पर आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जो बेल आइकन आता है उसे भी साथ में दबा लेना क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएगी दोस्तों। अभी और कई वीडियो मैं इस स्कूटर की बनाने वाला हूँ, जैसे जैसे मॉडिफाइड कराता रहूँगा आगे भविष्य में। इसी के साथ गुड बाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।